योगी सरकार लगातार केंद्र सरकार की तरह कठोर निर्णय ले रही है। योगी सरकार ने एक और फरमान जारी किया। इस बार ये फरमान सचिवालय कर्मियों पर लागू होगा। इसमें डिजिटल व्यवस्था लागू करने के संदर्भ में देखा जा रहा है, पर अभी इस फरमान का असर कुछ जगह तो देखा गया, पर विधानसभा में इसका असर अभी नहीं देखा गया। आज से सभी अधिकारी और कर्मचारी जो है वो अब अपना बायोमेट्रिक इम्प्रेशन डालकर ही अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और तय करेंगे कि आखिर उनकी अटेंडेंस लगी कि नहीं लगी। ये मशीन उपकरण लगा हुआ है यहाँ पर, ये पहले से ही उपकरण है, लिखा हुआ है कि आप कृपया अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, और ये फिटिंग जो है सीधा सचिवालय प्रशासन की तरफ जाएगी। लेकिन आपको बता दें, सबसे बड़ी बात है, इस समय हम जो विधानसभा के दूसरे पार्ट तिलक हॉल की तरफ खड़े हैं और ये जो बायोमेट्रिक हैं आप देख सकते हैं कहीं भी किसी भी प्रकार से काम नहीं कर रहा। ये चार चार बायोमेट्रिक यहाँ लगाए गए हैं लेकिन यहाँ काम नहीं कर रहा। तमाम कर्मचारी इनसे पूछ लेते हैं आखिर क्या यहाँ पे काम कर रहा था पहले। क्या नाम भी आपका? अभिषेक मिश्रा। अभिषेक, बायोमेट्रिक लगाने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा है कि सब अपनी उपस्थिति दर्ज कराएँ कि कैसे आए हैं और इम्प्रेशन दें अंगूठे का, क्या लगाया कहीं कुछ? ठीक, ये कार्ड वाला है। जी हाँ, जो हमारे लोगों का कार्ड बना हुआ है। कार्ड चल रहा है कि नहीं? जी कार्ड आज तो पता नहीं, पता नहीं, लेकिन जब ये लगा था कार्ड के लिए तब ये काम करता था। हम लोग बराबर समय से कार्ड लगाते थे, लेकिन अब जो है वर्तमान में आज खुद मुख्यमंत्री ने जो आज जो बायोमेट्रिक में है, बायोमेट्रिक अंगूठे के लिए, तो वो अभी लगा नहीं है, तो अंगूठा हम लोग दर्ज कहाँ करें? तो मतलब ये भी कहे माने कि ये सब भी अब जो है ये पिछली सरकार का करा हुआ है क्या? जी हाँ, लेकिन सरकार का है। उस पर क्या आप कुछ दिक्कतें आती थी पहले? कैसे? कोई दिक्कत नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं, काम करने वाले की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन माना ही जा रहा था कि योगी सरकार जो है एक स्वच्छ छवि देने के लिए, कर्मचारियों को एक बेहतर जो है सुविधा देने के लिए, आम नागरिक को बेहतर सुविधा देने के लिए योगी सरकार ने कदम उठाए। लेकिन पहले कभी ऐसा हुआ करता था अन्य सरकारों में कि बायोमेट्रिक के लिए तो नहीं लेकिन कार्ड से वो पंच करके अपनी अटेंडेंस लगा सकते थे, लेकिन वर्तमान में इस पूरे प्रांगण के अंदर कहीं भी ऐसी बायोमेट्रिक मशीन देखने को नहीं मिली। क्योंकि सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने आदेश तो दिए लेकिन उस आदेश की भी एक अवहेलना सी कर दी गई। यहाँ पर अब हम खड़े हैं, यहाँ पर किसी भी इस एंट्री गेट के अंदर कहीं बायोमेट्रिक इम्प्रेशन के लिए जगह नहीं है, कहीं भी कोई मशीन नहीं लगी है। सिर्फ कार्ड की जो मशीन है, जो जिस तरीके से बताया कि कार्ड पहले इम्प्रेशन कार्ड का दिया जाता था उससे चलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो है ये मशीन काम नहीं कर रही, मान लें हमने भी चेक भी नहीं किया। तो कब से चेक नहीं किया गया है? काफ़ी साल हो गए, काफ़ी समय हो गया और चेक भी नहीं किया गया। लेकिन योगी सरकार की जो मंशा है कि जो काम है वो किसी भी प्रकार से बाधित ना हो और आगे चलता रहे, जिसको लेकर ये लगाया गया था और उस समय पूर्व की सरकारों में, लेकिन वर्तमान सरकार ने बायोमेट्रिक इम्प्रेशन लगाने की बात कही लेकिन इस पूरे भवन के अंदर कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं की गई कि जहां पर वो जाके बायोमेट्रिक लगा सकें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि योगी सरकार के बड़े दावों की पोल विधानसभा के अंदर ही खुल रही है। कैमरा अंकित तिवारी के साथ रामनीत भट्ट, लाइव टुडे, लखनऊ।